दोस्तों, ये जो पूरा मामला चल रहा है ये बहुत ही गंभीर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे एनआईए ने लगा दिया है यूएपी एक्ट। अब ये यूएपी एक्ट, नॉर्मली मैं आपको बता दूं, अगर नहीं पता होता कि जो देश के अंदर, भारत जो देश है, इसकी अखंडता तोड़ने की अगर कोशिश करते हैं, टेररिज्म को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो भैया तब ये लग जाता है। तो अब यहाँ पे जो एंटीलिया केस है, इसके अंदर एनआईए के द्वारा यूएपी एक्ट लगा दिया गया है, क्योंकि बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है जिसके अंदर प्रभावशाली लोग लिप्त हैं। सचिन वाजे कड़ी है जो भैया पकड़ रखी है, और एनआईए को तलाश है उन बड़े बड़े लोगों की जो इसमें लिप्त हैं। अब यहां पे क्या हुआ, मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि ये जो भैया पूरा मामला है, इसके अंदर ये यूएपीए एक्ट क्यों भैया बहुत अच्छी चीज है कि इससे जो बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है वो बच नहीं सकता। अब भैया इसके अंदर जब उसको पकड़ा जाएगा तो वो निकल नहीं पाएगा। जब ये अपनी साख और इससे निकल जाते हैं नॉर्मल केसों में, तो ये नॉर्मल केस नहीं रहा। अब ये रहा भैया एक गंभीर केस जिसके अंदर देश के अंदर भैया टेररिज्म बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, तो ये एक्ट लगने से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इंसाफ मिलने में, ठीक है, कि ये बच नहीं पाएंगे। अब दूसरी चीज, यहां पे जो सचिन वाजे हैं भैया, जो एक होटल के अंदर रुकते हैं भाई साहब, इनको कैश फंड अथा फंड आ रहा था इनको, ये गलत काम, देखो गलत काम कर रहे व्यक्ति और इसको फंडिंग हो रही है गलत काम करने के लिए, तो ये बहुत बड़ा सुपारी किलर है, बहुत बड़ा सुपारी किलर है जिसको भैया फंडिंग दी जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट किलर है ये, जो पुलिस की वर्दी में बैठा हुआ था और शिवसेना महाराष्ट्र सरकार परमवीर सिंह ने इनको नियुक्त किया था ऑन ड्यूटी। तो भैया ये कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसको पैसे दिए जा रहे हैं, और ये मनसुख हिरेन को भी मौत के घाट उतार देता है जब वो उनके भैया कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आता है। कॉन्ट्रैक्ट ये है इस व्यक्ति का, अंबानी को ठिकाने लगाना या जो भी, लेकिन स्कॉर्पियो गाड़ी वहां पे ले जाके, तो यही अंदेशा जाता है। अब भैया यही तो भैया केस हो रहा है कि आखिर वहां पे स्कॉर्पियो रखी क्यों, इसके पीछे एक्चुअल कारण क्या है। मनसुख हिरेन की जो मृत्यु की गई एनआईए को, यह है कि भैया उसको मारा क्यों गया, आखिर मनसुख हिरेन ऐसा क्या जानता था, इनकी ऐसी क्या घनिष्ठता है, ऐसा क्या ये रच रहे थे जो मनसुख हिरेन उगल देता, तो यही एक पूरी साजिश है। देखो अभी तक तो क्या था, ये सचिन वाजे जब मनसुख हिरेन को पकड़ता है तो इसका ये था कि उससे पूछताछ करेगा और एटीएस के हाथ में रहेगा, इनके हाथ में रहेगा, केस रफा दफा हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि ये केस आ जाता है एनआईए के हाथ में, और वहीं पे सारा गेम इस सचिन वाजे का और बड़े बड़े आकाओं का बिगड़ जाता है। तो आज इसको बचाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है, लेकिन एनआईए कहा ना 10-20 कदम आगे, तो उसने रियाज जो काजी है, जो भाई इसी सचिन वाजे का करीबी था, अगर आपको ध्यान हो नहीं ध्यान हो बता दूं, ये रियाज काजी कौन है, ये सचिन वाजे का खास व्यक्ति जो भैया इस पूरे एंटीलिया केस में इसका साथ दिया है शुरू से, ये व्यक्ति जो भैया मनसुख हिरेन की मृत्यु में भैया साथ दिया है, सारी साजिशों में साथ दिया है, सीसीटीवी कैमरे जो फुटेजेस हैं उनको गायब करने में, ये मनसुख हिरेन को भैया पूरा ये करने में, ये इन सब में साथ कौन दे रहा है, यही रियाज काजी, ठीक है। ये सचिन वाजे के घर से भैया सीसीटीवी सारे लेके जो गए, जो सब कुछ किया उसमें इसका साथ था, ठीक है। अब ये रियाज काजी जो कि आ चुका है एनआईए के रिडार पे, गिरफ्त में है, ये सरकारी गवाह बन रहे हैं। लो जी, ये दिक्कतें पे दिक्कत बढ़ती जा रही है, जहां पे एटीएस यही नहीं चाह रहा था, एटीएस इसीलिए बौखला रहा था कि भैया केस हमारे पास आ जाए, सचिन वाजे हमारे पास आ जाए, लेकिन एनआईए ने होने नहीं दिया, और अब तो केस एटीएस के पास रहा ही नहीं रहा। अगर आपको नहीं पता तो आज थाने की भैया कोर्ट ने कह दिया क्लियर कि भैया अब जांच करेगा तो सिर्फ एनआईए करेगा और सारे डॉक्यूमेंट्स दे दो। अब मनसुख हिरेन एंटीलिया पे ये बिल्कुल जांच नहीं कर सकता एटीएस, ये बहुत अच्छी खबर है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, रियाज काजी सरकारी गवाह बन चुका है, ये अब कई राज उगलने वाला है इस सचिन वाजे के खिलाफ और जो बड़े बड़े आका हैं उनके खिलाफ। अब सरकारी गवाह बनने से क्या होगा कि भाई ये मजिस्ट्रेट के सामने जाके, मैं आपको बता दूं, मजिस्ट्रेट के सामने जाके एक गवाही देने वाला है, और उस गवाही के अंतर्गत ये निकलेगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने होगी तो वो बदल नहीं सकता, अगर वो बदलेगा तो फिर भैया एनआईए इसके खिलाफ एक्शन ले लेगी, तो ये भी नहीं बोल सकता मुझे भैया जोर जबरदस्ती करके ये गवाही दी गई। तो ये दिक्कतें बहुत बढ़ने वाली है, किसके लिए, सचिन वाजे और महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे, ये पूरी जो सरकार है इनके खिलाफ। तो ये काफी अच्छी एक खबर आई। अब क्या है कि ये सरकार गिराने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, बीजेपी यहां पे पूरा जा रहा है, और देखो गलत नहीं है, सही है, क्यों, आप भाई सरकार में बैठी, अगर कोई सरकार में बैठा है तो विपक्ष का काम ही यही है भैया, अगर गलत चीज हो रही है उसका अपोज करना, तो बीजेपी यहां पे बिल्कुल सही कर रही है, और इसी तरह से होना चाहिए कि भाई महाराष्ट्र के अंदर आपकी सरकार में बैठे गलत चीजें कर रहे हैं, हर एक गलत काम आप कर रहे हो, आप दिशा का मर्डर होता है, सुशांत का मर्डर होता है, और उसके बाद से इतने कांड हो जाते हैं, साधुओं की हत्या हो जाती है,
क्या किया जा रहा है? कुछ नहीं किया जा रहा। दिन दहाड़े भाई एक पूर्व नौसेना अधिकारी को पीट दिया जाता है, कुछ नहीं हो रहा। पुलिस वाले घुस के लड़कियों को नग्न करके डांस करवाते हैं, रेप कर देता है पुलिस वर्दी वाला, यही महाराष्ट्र में, कुछ नहीं करते। तो ये समझने वाली बात है दोस्तों कि यहां पे, और इवन आप तो ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे एक रैकेट चला रहे हो, 100-100 करोड़ की फिरौतियां मांग रहे हो, आप तो भैया मर्डर चल रहे हो, आपने तो भैया अपने पुलिस के अंदर ही भैया कॉन्ट्रैक्ट किलर रख रखे हैं, ये उद्धव ठाकरे नियुक्त करते हैं, तो आपको लगता है कि ये एनआईए अच्छे से जांच कर पाएगी? महाराष्ट्र के अंदर रह के सीबीआई सुशांत केस में अच्छे से जांच कर पाएगी? एनसीबी अच्छे से जांच कर पाएगी जहां पे हर बार रोते हुए आ जाते हैं ये संजय रावत? बिल्कुल ठीक कहा गया है। ये कह रहे हैं भाई उद्धव ठाकरे कुछ बोल नहीं रहे, इनके मुख से निकल नहीं रहा यहां पे शिवसेना की तरफ से भैया ये संजय रावत। तो संजय रावत एक छोटा सा नेता है, वो थोड़ी उद्धव ठाकरे, वो थोड़ी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र का जो उसकी बात को हम मानने माने। तो बिल्कुल ठीक है कि यहां पे संजय रावत ही बोलने पे आता है हर बार, जिसकी तो खुद की कुछ वैल्यू नहीं है, तो इसकी बात पे तो कल को कुछ होगा ये बोल देंगे हमने थोड़ी बोला था, और संजय रावत की बात पे वैल्यू नहीं है। तो बात बिल्कुल ठीक है कि यहां पे ये जो कर रहे हैं ये सरकार से हटाना, ये गिरनी सरकार चाहिए जिससे फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके। तो आज देवेंद्र फडणवीस चले गए कहां पे? राज्यपाल के पास। अब वहां पे जाके इन्होंने भैया मांग की कि ये जो सारी अराजकता, सारे जो ये हो रहे हैं, ये ट्रांसफर भर्ती, फिरौतियां, एंटीलिया केस, संजय रावत जिसको इन्हीं के द्वारा लाया गया, परमवीर सिंह इनका खास, अब इनके ऊपर आरोप लगा रहे। तो कितना बड़ा कांड है, सुशांत की मृत्यु जो भैया इतना बड़ा है, जिसके ऊपर सीबीआई बैठी है उनको बाधित करना, एनसीबी जो चल रही है उनको बाधित करना, ये इनका भैया बयान आना, क्या बोल रहे हैं संजय रावत ये सब, ये शिवसेना क्या बोल रही है कि भाई हर घर में ड्रग्स होता है तो बाधित किया जा रहा है। तो भैया वो बोलते हैं कि इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, सरकार को हटाना चाहिए जिससे फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके। तो अब क्या हुआ कि जो गवर्नर हैं उन्होंने भैया लेटर लिखा है, बोला है अब इनको कि भैया आप जवाब दो, और राष्ट्रपति जो है उनको जवाब चाहिए इसके ऊपर कि भैया वहां तक जवाब पहुंचे और इसके ऊपर क्या रहता है। तो मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि बीजेपी एकदम एग्रेसिव मूड में, और विपक्ष ऐसा ही होना चाहिए, ये सरकार जाएगी क्योंकि फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती अगर ये सरकार बैठे तो। अब यहां पे उद्धव ठाकरे जी, ये सब जो शरद पवार है, इनका जो गेम प्लान था, ये गेम प्लान ये चल रहे थे कि एटीएस भैया केस नहीं सौंपेगी, क्योंकि आपको पता है होम मिनिस्ट्री ने केस मांग लिया कि भैया एनआईए हैंडल करेगी मनसुख हिरेन का केस, लेकिन 3 दिन से सौंपा नहीं। इनकी पूरी स्ट्रेटेजी चल रही थी दूर तक कि एनआईए जोर जबरदस्ती करके ये केस जैसे ही ले ये रोने लग जाए, ये विक्टिम कार्ड खेले, हमारे ऊपर अत्याचार किया गया जैसे संजय राउत हर बार खेलते हैं, इस तरह से इन्होंने फिर से सोचा था। और यहां पे इन्होंने ध्यान होगा राजदीप सरदेसाई के साथ फोटो, ये रवीश कुमार, इन सबके साथ इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि भैया हम एक एजेंडा के तहत एक पूरा का पूरा माहौल बना देंगे जैसे ही एनआईए भैया ये केस हमसे जबरदस्ती लेगा जो एटीएस दे नहीं रहा है। तो लेकिन एनआईए भैया स्मार्ट है, वो सब जानता है ऐसे भैया एनआईए कुछ मामूली थोड़ी समझा है। वो चला गया कोर्ट, उसने सिंपल बोला कि भैया ये बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे, हमें केस नहीं हैंडल करने दे रहे, मनसुख हिरेन की जो मर्डर की जांच हमें मिली है वो करने में हमें बाधित कर रहे, बाधा क्रिएट कर रहे। तो कोर्ट ने आज क्लियर कह दिया भैया केस सौंप दो, और अब आप इसमें भैया टांग हाथ कुछ नहीं अड़ाओगे, आप देखोगे भी नहीं। तो ये बहुत अच्छी चीज हुई। तो भैया यहां पे बहुत ही एक अच्छी है जो खबर आई है, जो आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दो कि रियाज काजी सरकारी गवाह बन गया भैया। अब सिर्फ एनआईए इस केस की जांच करेगी तो कोई भैया कॉन्ट्राडिक्ट सबूतों को मिटाने का नहीं, और अगर एटीएस यहां पे हल्का सा भी करती है तो अब वो भी गिरफ्तार हो जाएगा व्यक्ति। ये भी बता दूं कि अब भैया कोई और एजेंसी जबरदस्ती, क्योंकि भैया कोर्ट ने मना कर दिया है, उसके बाद टांग अड़ाई करता है, आ जाओ भैया आप भी लपेटे में कि आप क्यों भैया छेड़छाड़ कर रहे हो तथ्यों के साथ। तो ये बहुत अच्छा है, ये जरूरी है। अब सचिन वाजे की सिर्फ और सिर्फ कस्टडी सिर्फ एनआईए के पास होनी चाहिए, तभी ये फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। कल 25 तारीख है, तब तक कस्टडी मिली थी, कस्टडी आगे एक्सटेंड के लिए जाएगा एनआईए, मैं आपको बता दूं, और कस्टडी मिलेगी भी क्योंकि ये केस बहुत बड़ा जा रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और इन सबका जेल जाना निश्चित है। और ये जो केस जिस दिशा में जा रहा है, जैसे कि आपको पता है सुशांत, सदाशिव और ये जो नाम से ये भैया फर्जी आईडी बना के ये सचिन वाजे रुक रहा है होटल में जाके, जो मैंने आपको बताया 10,000-10,000 रुपए भैया एक रात का किराया है, कौन दे रहा है, कौन फंड कर रहा है इस व्यक्ति को? एक लड़की गुजरात से आके इसके साथ रुकती है, पांच बैग इसके, पांच बैग उसके, क्या है उसमें ऐसा, क्या कैश फंड कुछ ये आ रही है ये कॉन्ट्रैक्ट किलर को? तो ये फंडिंग, ये पूरा जो गेम चल रहा है, एक लड़की आती है गुजरात से जो मिस्ट्री गर्ल, अभी तक उसकी तलाश चल रही है, नहीं उसकी तलाश कर रही है कि आखिर क्या है पूरा मामला, जो 2 दिन इसके साथ रुकती है। अब ये मिस्ट्री गर्ल का और ये सारा जो
सिलसिला हमें बहुत समझ में आ रहा है। हम तब से देख रहे हैं सुशांत के उससे कि बहुत से मिस्ट्री पर्सन आते हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुए, तो इनका सॉल्व होना बहुत जरूरी है। यहां पे ये मिस्ट्री लोग ही भैया गलत चीजों में लिपते हैं, जो गुमनाम रह के भैया अपनी आइडेंटिटी छुपा रखे अभी तक। ये अगर सुशांत केस की मैं बात करूं, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से हमने देखा सुशांत के मर्डर के बाद कैसे ये चीजें एक्सपोज हुई हैं कि भैया मुकेश छाबड़ा बॉलीवुड का व्यक्ति, उसके साथ वो व्यक्ति था आज तक सामने नहीं आया, कौन है, क्यों था वहां पे, एक हाथ में ग्लव्स क्यों था, कौन इतने गुमनाम लोग अंदर आ रहे थे, एंट्री मिल रही थी सुशांत के मर्डर सीन पे, क्यों मिल रही थी, इसका जवाब मांगती है भारत की जनता कि आखिर क्या था ये पूरी साजिश। आखिर वो कौन लड़की थी जो भैया गेट पे आती और सिक्योरिटी गार्ड से और पुलिस वाले की उपस्थिति में अंदर चली जाती है, कैसे उनको एंट्री मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है, कौन है वो प्रभावशाली लड़की, कौन है वो, क्या खास था उसका ऐसा। ये अहम सवाल है क्योंकि यहां पे पुलिस लिप्त है। तो सुशांत के मर्डर में भी पुलिस लिप्त है, दिशा सल्यान के मर्डर में भी पुलिस लिप्त है, और मनसुख हिरेन के भैया मर्डर में पुलिस लिप्त है। तो यहां पे तो भैया सत्ताधारी जो लोग हैं वर्दी वाले ही लिप्त हैं, तो भैया कहां से आएगा कोई तीसरा गुंडा, ये बॉलीवुड को ये कैसे ना बचाएं। यह है स्थिति, यह है रियलिटी। इस वीडियो को शेयर करो जिससे वो जान सके, और ये भैया जज्बा होना चाहिए आपके दिल में, ये होना चाहिए। आप भाई जिस तरीके से ऐसे शांत हो जाते हो ना, ये अच्छा नहीं है। गलत के खिलाफ बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। इस वीडियो को शेयर करो, जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो। मेरे को फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहां मुझसे जुड़ सकते हो। जो मेरा यूजर नेम है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।